नमस्कार, मैं तनुबोध। प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर आगरा से है, जहां 8 अप्रैल को भाजपा की बैठक छावनी क्षेत्र में अश्विनी शर्मा जी के नेतृत्व में रखी गई। इसमें छावनी विस्तारक, महिला मोर्चा, बूथ अध्यक्ष, छावनी संयोजक आदि लोग शामिल रहे और वोटर लिस्ट का वितरण किया गया। प्राइम न्यूज 24 के लिए सलामुद्दीन अब्बासी की खास रिपोर्ट। आज छावनी विधानसभा के कार्यालय पर हमने एक बैठक बुलाई है, जिसमें सभी हमारे सम्माननीय मंडल अध्यक्ष और सेक्टर के संयोजक व विधायक जी रहेंगे। आज से हम अपनी योजनाओं का प्रत्येक मंडल में जो रणनीति संगठन के द्वारा हमें दी गई है, उसके तहत चुनाव प्रचार को और धार देने के लिए यहाँ सभी को बुलाया गया है। छावनी विधानसभा के अंदर हम लोग डोर टू डोर जाने का सारा काम पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें और गति आए उसके लिए माननीय विधायक जी ने आज ये बैठक बुलाई है। और आगरा छावनी विधानसभा से हम अपने प्रत्याशी को रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजय कैसे मिले, उसके लिए हम सब अपनी अपनी योजनाओं के तहत काम कर रहे हैं। हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हमारी महिला मोर्चाओं की टीम घर घर जाकर लगी हुई है। इसी सब समीक्षा करने के लिए आज विधायक जी ने ये बैठक यहाँ आहूत की है और आपके चैनल के माध्यम से हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि हमारा प्रत्याशी, हमारी कोई किसी से कोई टक्कर नहीं, हमारा प्रत्याशी 1000% आगरा लोकसभा जीत रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारी वोटर लिस्ट सही हाथों मंडल अध्यक्षों के द्वारा सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूटर हो जाए और डिस्ट्रीब्यूटर होकर नहीं हर बूथ पर पहुंच जाए, बूथ का, जिससे हम ये देख सकें कि अपना काम सुचारू रूप से चल रहा है। अगर हम बात करें टक्कर की, इस समय जो भी टक्कर है वो किसी से आपको लगता है कि अनुमान है क्या किसी से टक्कर है? टक्कर तो मुझे तो कहीं लगना ही रहा है कि दूसरा प्रत्याशी कोई है, कहीं दिखाई देता ही नहीं है कि भाई एक ही तरफ सिर्फ भाजपा ही भाजपा दिखाई दे रही है। जिससे भी जाओ हर क्षेत्र में कहीं दूसरी पार्टी लड़ भी नहीं रही है कि क्या हुआ पता ही नहीं चल रहा है। नाम बताएं सर। मेरा नाम दुष्यंत सिंह है और मैं छात्र विधानसभा विस्तारक की भूमिका में पिछले 7 महीने से यहाँ पर। आज ये जो कार्यक्रम रखा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव 2019 में बहुत नज़दीक है, 18 तारीख को यहाँ चुनाव होना है। उसके लिए हमने यहाँ सेक्टर की और मंडल की एक बैठक बुलाई है। उस बैठक में हम सारे मतदाता जो सूची हमको प्राप्त हुई है हमारी पार्टी की तरफ से, तो वो मतदाता सूची बूथ स्तर के कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष तक हमें बांटने के लिए कार्य मिला है। उस बूथ लिस्ट को बांटने के लिए हमने सर ये बैठक बुलाई है, क्योंकि 2019 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और ज्यादा से ज़्यादा हम बूथ लिस्ट बांट कर, मतदाता पर्ची बांट कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे 2019 में आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उसके लिए हम मेहनत करें, वोट डालने जाएं और सुबह 10:30 बजे तक अपने लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवा कर 2019 में आदरणीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को आगरा से विजयी बनाकर 2019 में आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएं, एक बार फिर मोदी सरकार।